लिली फ्लावर्स ईयरिंग बनाने के लिए हमें इस प्रकार रॉ मटेरियल लगेगा। यहाँ पे हमने 22 गेज ब्रास गोल्डन वायर यूज़ की है, वैसे ही 30 गेज गोल्डन वायर हम यूज़ करेंगे इसके लिए। और राउंड शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे ये पेंटिंग ब्रश यूज़ किया है। आप चाहे तो पेन या राउंड जो है वो कौन सा भी शेप का साइज़ का आप यूज़ कर सकते हो। आप जिस साइज़ का राउंड बनाओगे उस साइज़ का आपका फ्लावर बनेगा। वैसे ही यहाँ पे हम दो साइज़ के पर्ल्स यूज़ करेंगे। 8 mm पर्ल्स हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं, वैसे ही 5 mm के पर्ल्स जो है वो भी इसी सेम ईयरिंग के लिए हमें यूज़ करने हैं। सबसे पहले हमें 22 गेज वायर का जो बंडल है उसमें से कुछ वायर जो है ऐसे लूज करके लेनी है। उसके बाद हमें ये हम ब्रश जो है वो यूज़ करेंगे, और जहाँ पे ज़्यादा ब्रॉड है वो एरिया मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो ये वायर को हम इस तरीके से थंब में पकड़ के फिर हमें इसी सेम एरिया में ऐसे 10 राउंड लगाने हैं। आप एक श्योर करोगे कि एवरी टाइम राउंड का जो साइज़ है वो सेम ही होना चाहिए। तो ऐसे हमें 10 राउंड करने हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने राउंड हुए। और यहाँ पे जहाँ पे ये स्टार्ट हमने किया है उसी सेम एक अगर हम सीधी लाइन डाले तो यहाँ पे हमें कट करना है। उसके पहले जो हमने यहाँ पे पकड़ के रखा है वो हम ऐसा छोड़ देंगे। तो छोड़ने के बाद क्या होगा कि वायर जो है अपना खुद का साइज़ ले लेगा। फिर हमें ये निकालना है, ऐसे रिंग की तरह स्प्रिंग की तरह ये बनाना है। और यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो ये इस वाले एंड पे हमें ऐसे कट करना है। ये हम ईयरिंग का सिंगल पीस बनाने के लिए ये स्प्रिंग जो है वो यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही हमें दो पीस बना के लेने हैं पेयर बनाने के लिए। उसके बाद यही सेम 22 गेज का वायर जो है वही लेना है और पूरा स्प्रिंग में से ऐसे निकालना है। और यहाँ पे हम राउंड नोज प्लायर के साथ इसको ऐसा पकड़ेंगे और कंप्लीट स्प्रिंग जो है ऐसे रोल करनी है एक तरफ, और ये हम जो लूप बना रहे उसको ऐसे इस तरीके से राउंड करते हुए इस प्रकार ये कंप्लीट एक रिंग बन गई। और जो पोर्शन है वो फिर से बाहर निकल आया है। अभी हमें थोड़ा सा इसको टाइट करना है तो फिर से हम एक राउंड लगाएंगे। तो कंप्लीट मैंने यहाँ पे ऐसे 22 गेज से ही दो रिंग ये पूरे स्प्रिंग के ऊपर ये इस तरीके से बनाई है। अभी हम क्या करेंगे, फ्लैट नोज प्लायर के साथ ये थोड़ा इसको हम टाइट करेंगे जो हमने रिंग बनाई है उसी को। एकदम टाइट नहीं करना है हमें, थोड़ा सा ढीला भी रहना चाहिए। इस प्रकार ये टाइट हुआ। अभी एक्सेस जो है वो हम कट कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार आपका ये पीस बनेगा। अभी हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये सब जो रोल है जब सब जो रिंग है वो बन गए। अभी हमें सिर्फ इसको ऐसे स्प्रेड करते हुए जाना है। तो इसलिए अगर ये जो रिंग है ये हमने दो राउंड जो लगाए थे वो अगर आपने टाइट की तो ये कंप्लीट राउंड में घूमेगा नहीं। इसलिए हमें और इसको जो है हल्के हल्के हाथ से ऐसे पूरा इसको एक एक कड़ी जो है वो ओपन करते हुए इसको राउंड शेप देना है। तो ये ऐसे हम खींचते हुए कंप्लीट ये ओपन करके यहाँ पे लेंगे। जब हम इसको कंप्लीट ऐसे राउंड फॉर्म में लेके आएंगे तो ये ऐसे फ्लावर की तरह दिखेगा और दोनों एंड्स जो है वो हमारे ऐसे ओपन अप होंगे। और पेटल की जो संख्या है वो टोटल हमारी 9 रहेगी, क्योंकि हाफ हाफ जो पोर्शन है वो दोनों तरफ से ऐसे निकल के बाहर आएगा। ये एक एंड था और ये एक वायर का ओपन एंड था। अभी जो ओपन एंड है उसको हम स्पाइरल करके बीच में ऐसे उसको बिठा देंगे। राउंड अप करके यहाँ पे हम कंप्लीट इसको ऐसे सेंटर में ही स्प्रेड करना है तो ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। वैसे ही
जैसे हमने उस तरफ वो एंड को बिठाया, वैसे ही हम इसको भी थोड़ा सा ऐसे राउंड अप करेंगे और बीचों बीच इसको ऐसे रख के फिर सेंटर में प्रेस करेंगे, क्योंकि ये वाले एंड जो है वो ऊपर हम पर्ल का रैपिंग करेंगे तो ये सब ऐसे ढक जाएंगे। तो ये एग्जैक्टली ऐसे राउंड शेप में, फ्लावर के शेप में आ गया है। अभी हमें 30 के जो वायर है उसमें से करीब करीब 2 फीट का एक पीस जो है वो कट करके लेना है। उसी वायर में हम 5 mm के 6 पर्ल्स जो है वो भी सेम वायर में पिरो के लेंगे। यहाँ पे हमने 5 mm साइज़ के 6 पर्ल जो है वो पिरो के लिए है, और एक तरफ हम करीब करीब 2 इंच तक ऐसे वायर का पीस जो है वो छोड़ेंगे और फिर इसको ऐसे पर्ल का लूप बनाएंगे और यहाँ पे हम ऐसे इसको 2 ट्विस्ट करेंगे तो ये ऐसे फूल की तरह बन गया है। अभी हमें इसको जो है इस वायर के फ्लावर के ऊपर थोड़ा ऐसे बीचों बीच रखना है और सेम जहाँ पे हमने ये वायर छोड़ी थी उसी को हम किसी भी एक गैप से इधर से ऐसे लेके जाएंगे और फिर दूसरी तरफ से ऊपर लेके आएंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको बीचों बीच रहना चाहिए तभी ये डिज़ाइन जो है परफेक्ट दिखेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें यहाँ पे हमने ऐसे रखा और 3-3 पर्ल का जो है डिवाइड करके फिर सेम वायर हम पर्ल के लूप में से नीचे लेके जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम ये वायर फिर से या सेंटर से नीचे जाके फिर ऊपर लेके आए। अभी हम ये लंबा वाला जो एंड है वर्किंग एंड का, उसी वायर में हमें एक 8 mm साइज़ का पर्ल डालना है। आप यहाँ पे छोटा भी यूज़ कर सकते हो और ये ऐसे सेंटर में रखना है और यहाँ पे आप एक बार ये फ्लावर का पर्ल जो है एग्जैक्टली सेंटर में है ये आप श्योर करके फिर हम इसके ऊपर रैपिंग करेंगे। ये आपको जो टेल एंड है उसके साथ ही फिक्स करना पड़ेगा। अभी यही वायर हम नीचे होके पहले हम ये 8 mm जो पर्ल है वो ऐसे फिक्स करेंगे। अभी हमें 2-2 पर्ल के साथ रैपिंग करना है जैसे हम हमेशा ही करते हैं और इस बीच वाले गैप में वायर को लेके आना है। ये देखिए मैंने अभी ये 2 पर्ल के ऊपर ये रैपिंग किया। ऐसे ही हमें चारों तरफ करना है क्योंकि जो 2-2 पर्ल का जो रैप है वो हमें सबके पर्ल के ऊपर ऐसे रैप करते हुए जाना है। जब हम खींचेंगे तो बराबर से वो नीचे से भी अच्छे से पैक हो जाएगा। ऐसे ही मैं सब 2-2 पर्ल के ऊपर रैप करके यहाँ पे ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको एकदम क्लोजअप दिखाती हूँ कि 2-2 पर्ल के बीच में हमने ये रैप किया है तो ये बिल्कुल अभी हिल नहीं रहा है तो अच्छे से ये फिट हो गया है। अभी हम एक्सेस वायर जो है वो ऊपर की तरफ एक बार लेके आएंगे और वैसे ही हम गैप में से नीचे जाएंगे और फिर दोनों एक्सेस वायर हम यहाँ पर ही ऐसे कट करेंगे। टेल एंड का पीस था वो भी हमने कट किया और वर्किंग एंड का जो है वो भी हम यहाँ पर कट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फ्लावर जो है वायर का और उसके ऊपर पर्ल का ये बन गया। पेटल का जो शेप है वो हमें जब हम पर्ल का फ्लावर जो है टाई करने से पहले हम नहीं दे सकते, क्योंकि जब हम शेप देंगे तो ये कंप्लीट इसका शेप जो है राउंड शेप वो बिगड़ सकता है। तो इसलिए हम पहले पर्ल फ्लावर है वो वायर रैपिंग के साथ फिक्स करेंगे और फिर इसको एक एक पेटल को शेप देंगे। तो शेप देने के लिए यहाँ पे एग्जैक्टली एक एक राउंड हम अभी लेंगे और यहाँ पे एकदम सेंटर में उसको ऐसे इस तरीके से एक तरफ से पुश करना है तो ये शेप आएगा। वैसे ही उसी पॉइंट पे पकड़ के इसको दूसरी तरफ ऐसे बेंड कीजिएगा तो ये बहुत सुंदर ऐसे इसका फ्लावर का पेटल का जो है वो यहाँ पे शेप आया। ऐसे ही हमें ईच एंड एवरी जो पेटल है उसको ऐसे शेप देना है।
भी हम इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना अच्छा और खूबसूरत ऐसे लग रहा है। अभी फाइनल शेप हमें देना है, जहाँ पे ये हमने एंगल निकाला था वहाँ पे हमें इस तरीके से उसको थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मोड़ना है, तो ये परफेक्ट शेप बनेगा। आप चाहे तो ऐसे दो शेप एक के ऊपर एक भी रख के ये पेटल की जो काउंट है वो आप बढ़ा सकते हो। तो आप यहाँ पे देख लो कि कितना अच्छा लुक आया है, और परफेक्ट ये जो लिली फ्लावर का ईयरिंग है वो बन गया है। ऐसे ही हमें और एक पीस यहाँ पे रेडी करना है, तो वो मैं करके यहाँ पे ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने ये दोनों जो है पैर के पीस यहाँ पे बना लिए हैं, और अगर हम एग्जैक्टली राउंड जो है सेम बनाए तो ये दोनों जो है सिमेट्री बन जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे ईयर हुक की एक छोटी सी पेयर बना के रखी है, क्योंकि यहाँ पे हम जो ईयर रिंग है वो बड़ा साइज़ का बना रहे हैं। अगर आप चाहे तो ईयर रिंग भी बड़ा साइज़ का भी बना सकते हो। अभी हम ओपन करके इसमें सिर्फ हमें ऐसे पुट करना है। जैसे मैंने इसको अटैच किया ईयर हुक, वैसे दूसरे पीस को भी मैं अटैच करके यहाँ पे ले रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना अच्छा और बहुत ही कम टाइम में और एकदम परफेक्ट ऐसे ये जो लिली फ्लावर वायर रैप्ड ईयरिंग का ये पीस बन गया है। आपको अगर ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। हमेशा की तरह ही बनाने के लिए बहुत ही आसान और इजी टेक्निक के साथ मैंने आपके साथ ये ट्यूटोरियल शेयर किया है। आपको बहुत ही अच्छा लगा है तो आप ट्यूटोरियल को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। इस ट्यूटोरियल के साथ जो व्यूवर्स आज हमारे चैनल के साथ नए से जुड़े हुए हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्रिएटिव, इनोवेटिव और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मैं आपके साथ हमेशा ही इसके आगे भी ज़रूर मिलती रहूँगी। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।